Hello and welcome. My name is Shailesh Kumar and you're watching National Defense. On National Defense today, we are joined by someone special, a real hero of India, Paramveer Chakra Vijeta. So this interview is going to be in Hindi. Mere saath maujood hain Paramveer Chakra ke Vijeta, Subedar Major Yogendra Singh Yadav saab. Yogendra Singh Yadav saab, बड़ा सौभाग्य है नेशनल डिफेंस का कि आप हमारे इस छोटे से चैनल पर आए हैं और हमें अपनी कहानी बता रहे हैं कि कैसे आपने ये परमवीर चक्र अर्जित किया. बड़ी मेहनत की आपने इसके लिए, बहुत लड़ाई लड़ी कारगिल के युद्ध में. मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कैसे टाइगर हिल को आपने कब्जा किया, और वो भी तब जब आपको 14 गोलियाँ लगीं और उसके बावजूद आप हिंदुस्तान का कब्जा टाइगर हिल पर जमाने में कामयाब रहे, कारगिल युद्ध की लड़ाई जिताने में कामयाब रहे. साहब पूरी कहानी मुझे बताएं. बिल्कुल. पहले सबसे पहले मैं आप सबको जो है नमन करता हूं, जय हिंद कहता हूं. और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे देश और देश की सेना ने बहुत कम उम्र में ये मौका दिया कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाया, अपनी माँ भारत माँ के लिए कुछ कर पाया. मात्र 16 साल 5 महीने की उम्र में मैं सेना के अंदर भर्ती हुआ. क्योंकि ये जज्बात जो आते हैं परिवार से आते हैं, संस्कारों से आते हैं. मेरे पिता भी जो है फौज में थे, उन्होंने भी 1971 की लड़ाई लड़ी थी. तो वो अपनी जब कहानियों को बताया करते थे कि इस प्रकार से लड़ाई के अंदर ये होता है, वो होता है, इतनी कठिनाइयाँ आती हैं, तो तभी से एक सपने देखने लगा कि यार मुझे भी जो है फौज में जाना चाहिए और अपने पिता के वो पद चिन्हों पर आगे बढ़ना है. मात्र 16 साल 5 महीने के अंदर वो सपना पूरा हुआ और मैं इंडियन आर्मी के ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट के अंदर मैं भर्ती हुआ. ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट ऐसा रेजिमेंट जिसका जो है अभी इतिहास में के स्कूल के अंदर किताबों में पढ़ कर किया रहा था. CQMH अब्दुल हमीद, मेजर होशियार सिंह जैसे शूरवीर योद्धाओं की कहानी पढ़ी, वहाँ जा कर के उनके पराक्रम की गाथाओं को सुना और पढ़ा, तो और ज़्यादा से जो है एक लगने लगा कि यार अभी जल्दी से जल्दी युद्ध होना चाहिए, मुझे भी जो है एक लड़ाई लड़नी है. और ये सपना भी बहुत जल्दी पूरा हो गया. मात्र 2.5 साल की सर्विस और 19 साल की उम्र में मुझे भारतीय अपनी भारत माँ के लिए एक युद्ध लड़ने का सौभाग्य मिला. और मैंने अपने अपने साथियों के साथ मिल करके कारगिल का युद्ध एक ऐसा युद्ध जिसमें जो बहुत ऊंची हाइल्टी के ऊपर लड़ा गया युद्ध था, जहां पर जीवन यापन करना भी बहुत मुश्किल होता था. -40, -30 डिग्री टेम्परेचर में जवानों ने कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर के उन पहाड़ियों के ऊपर जहां पर दुश्मन इतनी मजबूती के साथ बैठा था कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम यहाँ से वापस जाएंगे. लेकिन ये हिंदुस्तान के जवान थे, इन्होंने उन दुश्मनों को जहाँ उन्होंने अपने बंकर्स बनाए थे वहीं पर उनकी कब्रिस्तान बना दिया. ये हमारे देश के जवानों की बहादुरी और वीरता थी. 22 दिन तक मेरी बटालियन 18 ग्रेडियर्स ने तोलोलिंग पहाड़ी के ऊपर लड़ाई लड़ी और 22 दिन के दौरान हमारे दो ऑफिसर, दो जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों ने शहादत दी. तब जा कर के 12 जून 1999 को पहली सफलता के रूप में तोलोलिंग पहाड़ी प्राप्त करी. उसके बाद फिर टाइगर हिल का नंबर आया, क्योंकि टाइगर हिल द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी थी जिसकी ऊंचाई 16,500 फीट. हाइट ज़्यादा होने की वजह से पूरा क्षेत्र उसने डोमिनेट किया हुआ था. दूर से दूर हमारी भारतीय फौज को नुकसान पहुंचा सकते थे, इसलिए जब प्लानिंग बना, प्लानिंग में बताया गया कि रात को चढ़ना होगा. और उसके लिए कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल सिंह ठाकुर साहब ने एक हमले की नई रणनीति बनाई, जिसके तहत एक घातक प्लेटून एज ए कमांडो टुकड़ी का निर्माण किया. तो उसमें बहुत सारे जवानों को कंपनियों से लिया गया. मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि व्यक्ति की पहचान किसी औहदे या रैंक से नहीं बल्कि उसके कर्म से होती है, उसके कार्य से होती है. मैं भी आप ही लोगों की तरह एक आम इंसान हूँ, कोई विशेष शक्ति लेकर के धरती पर पैदा नहीं हुआ हूँ. कोई वैसी विशेष योग्यता भी नहीं थी जिसके तहत मैं फौज में भर्ती हुआ. एक आम सैनिक प्रोसेस के द्वारा भर्ती हुआ, एक आम सैनिक ही था. लेकिन 22 दिन की लड़ाई के अंदर हमारे जो 15 जवानों की एक टीम को जो टास्क मिला था कि नीचे से ऊपर तोलोलिंग पहाड़ी के ऊपर अमनीशन राशन पानी ले जाने का, मैं उस टीम का हिस्सा था. और 22 दिन में 15 जवानों में से सिर्फ हम 3 जवान ऐसे थे जो कंटिन्यू हम उसमें चलते रहे. उसी काम की बदौलत हमारी पहचान बनी कि ये तीनों सैनिक फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग है, इनको घातक प्लेटून के अंदर शामिल किया जाए. पूरे प्लानिंग बनने के बाद ये था कि हम रात को चढ़ेंगे, दिन में पत्थरों में छुपे रहेंगे, फिर रात को चलेंगे. तो हमारी घातक प्लेटून के टीम कमांडर लेफ्टिनेंट बलवान सिंह,
उन्होंने पूरी प्लानिंग बनाने के बाद में आखिरकार हमने 2 जुलाई को चढ़ना शुरू किया उस पहाड़ी के ऊपर। दो रात एक दिन उस पहाड़ी के ऊपर हम चढ़े, चढ़ाई चढ़ी हमने, और तीसरी रात का वो मंजर आज भी मेरी नज़रों के सामने ऐसे घूमता जैसे कल ही की तो बात है। हमारे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मुझे मालूम है कि जो है सुबह का वक्त था, हम रस्सियों के सहारे एक दूसरे का हाथ पकड़ करके बहुत कठिन चढ़ाई चढ़ रहे थे, तभी दुश्मन ने दोनों तरफ से फायरिंग खोल दिया और हमारा रास्ता कट ऑफ हो गया। हम केवल 7 जवान ऊपर पहुंच पाए, तो सामने पहुंचते तो 8-7 मीटर का प्लेन स्पेस, सामने दुश्मन के 2 बंकर्स, 7 जवानों ने रोधन जा करके वहाँ पर फायरिंग किया, ज़बरदस्त फायरिंग किया, और वहाँ पर पाकिस्तान के बैठे हुए तमाम सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद जो टॉप था वहाँ, जो पाकिस्तान के वहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट था, उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान की फ़ौज ये बहुत नज़दीक आ गई है। हमारे ऊपर इतना ज़बरदस्त बम्बारमेंट हुआ कि हम ऐसे थे कि एक कदम आगे रखते हैं तब भी हमारी मौत है और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हमारी मौत है। लेकिन हिंदुस्तान के सैनिक के मौत से डर किसको लगता है? सोचा मरना ही तो है, और मरने से पहले जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम मार सकते हैं मारेंगे। और मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का सैनिक, चाहे उसका शरीर गोलियों से छलनी क्यों ना हो जाए, अगर उसके शरीर के अंदर रक्त का आखिरी कतरा भी बचता है और आखिरी सांस भी बचती है, तो उसके कदम दुश्मन की तरफ बढ़ते हैं, कभी कदम पीछे की तरफ नहीं रखता। मरना ही तो है, जितने ज़्यादा मारेंगे हम आगे की तरफ भागे, और उन्हीं के मोर्चों से उनकी डेड बॉडी निकाल करके वहाँ से हमने फायरिंग किया। 5 घंटे तक हम लगातार वहाँ पर फायरिंग करते रहे, लेकिन पीछे से बिल्कुल कट ऑफ हो चुके थे, हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं था। तो धीरे धीरे जब अमनिशन ख़त्म होने लगा था, हमने सोचा कि अभी जो है और एक रणनीति बनानी चाहिए कि अभी हम अमनिशन का इस्तेमाल तभी करेंगे जब दुश्मन पत्थरों से निकल करके बाहर हमारे नज़दीक आएगा। तो दुश्मन की जब आर्टलरी उनके मोटर्स ने फायर किया, तो उसी फायर के दौरान हमने अपना फायर बंद कर दिया। शायद उनको भी लगा कि ये तो या तो इनका अमनिशन ख़त्म हो गया है या मारे जा चुके हैं। तो 20-25 मिनट तक जब हमारी तरफ से कोई फायर नहीं हुआ, तो पाकिस्तान के 10-12 जवान सिर्फ ये देखने के लिए कि हिंदुस्तान के जवानों की संख्या कितनी है, जिंदे या मर गए। जब ऐसे सामने से पत्थरों से निकल करके सामने आए, तब हमने अचानक उनके ऊपर फायर खोला और 1-2 उनका साथी बचा होगा, बाकी सबको हमने मार दिया। अभी हमारे पास अमनिशन भी हो गया, वेपन भी हो गया, लेकिन जो 1-2 पाकिस्तान का जवान बचा था, उसने ऊपर जा करके अपने कमांडर्स को बताया कि हिंदुस्तान के वहाँ पर 8 या 10 ही जवान हैं। विदिन 30 मिनट हमें संभलने का मौका ही नहीं मिला। 35 से 40 पाकिस्तान के जवानों दोबारा से इतना ज़बरदस्त हमला किया कि हम सर नहीं उठा पाए, और तब फायर बंद करते ऊपर से पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए, लेकिन फायर तब भी बंद नहीं किया। हमने फायर नहीं खोला क्योंकि हमें मालूम था कि हमारा फायर खोलते ही हमारी लोकेशन जाहिर होगी और दूर से दूर हमें आसानी से वो बर्बाद कर सकते हैं। तो हमें और नज़दीक आने का हम इंतज़ार करने लगे। जब काफ़ी नज़दीक वो आए, तो हमारी LMG थी, लाइट मशीन गन, वो उनको नज़र आई, सीधा उसी के ऊपर RPG का राउंड दागा, तो हमारी वेपन डैमेज हो गया। उसको चलाने वाले नए जवान थे, उनको आकर के जब पत्थर लगे, तो हमारा प्लेटून हवलदार हमारे साथ था, तो प्लेटून हवलदार की तरफ भागे, तो उन्होंने प्लेटून हवलदार के वो आखिरी शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं, क्योंकि उस वेपन के जस्ट बाईं तरफ में बैठा हुआ था, उन्होंने मुझे आवाज़ दी, योगेंद्र इस LMG को उठा करके फेंक। बोला, दुनिया में इस वेपन के सिवा कोई बचाने वाला नहीं है। मैं उस वेपन को उठा करके उनकी तरफ फेंक तो दिया, मेरी नज़रें ऊपर की तरफ गई, देखता हूँ सामने वाले पत्थर के ऊपर 7 पाकिस्तान के जवान खड़े हैं। और सर, ये तो बहुत नज़दीक आ गए, कहाँ पर हैं ये? जैसे ही ये आवाज़ शायद उन तक पहुँची भी होगी, उन्होंने सीधा ऊपर से ग्रेनेड फेंका। एक जवान और था साथ में पीछे लेटा हुआ, उसको आकर के ग्रेनेड का एक स्प्लिंट लगा, यहाँ से उसकी उंगली कटी, दूर जा करके पड़ी। तभी एक और जवान घायल हो गया। सभी ने बोला कि यार आप लोग नीचे चले जाओ, फायर तो कर नहीं सकते, कम से कम अपने साथी चढ़ सकते हैं, चढ़ाने की कोशिश करो। दोस्तों, अभी तो स्कूल के अंदर किताबों में पढ़ करके गया था कि एक सैनिक दूसरे सैनिक के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है, आज तो प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल रहा था कि एक सैनिक न क्षेत्र देखता, न वर्दी देखता है, न जाति देखता, न धर्म देखता, सिर्फ वर्दी को देख करके अपने आप को वो अपने साथी के लिए कुर्बान कर देता है। तो हम जैसे नए जवान थे, हमारे लिए तो बहुत बड़ा मोटिवेशन था। तभी एक और स्नाइपर वाला साथी था, उसके ऊपर 3 तरफ से फायर आने लगा, तो एक मेरा ट्रेनिंग का साथी था, हम दोनों को आदेश दिया कि आप लोग दौड़ करके उसकी हेल्प के लिए जाओ। तो जैसे वहाँ से मैंने हरकत किया, शायद मेरा मोमेंट उनको दिखाई दिया होगा, ऊपर से फिर ग्रेनेड फेंका, वो ग्रेनेड का एक टुकड़ा करके मेरे भी घुटने के नीचे लगा, तो मुझे भी लगा कि शायद यार मैं तो पैर कट गया यहाँ से। जैसे खड़ा था, खड़े खड़े नीचे गिरा, गिरते ही मैंने एकदम से हाथ लगाया पैर के,
देखा तो पैर तो कटा नहीं था लेकिन बहुत गहरा जख्म था। खुद फर्स्ट एड ही कर रहा था कि अभी एक और ग्रेनेड का एक स्पेंडर आकर के उसने यहाँ से ये पूरा काट दिया। इसको कटने के बाद पूरा चेहरा सुन्न हो गया, दिख कुछ भी दिखाई नहीं दिया। और जब आंखें खुली देखता हूँ ऊपर से नीचे तक लहूलुहान और नाक से खून की धार बह रही थी। बहुत देर तक ब्लड साफ करता रहा लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। फिर अपने उस साथी के पास पहुँचा तो पहाड़ी से पीठ लगा करके ठीक हम आमने सामने बैठे हुए थे। मैं उनको बोला साहब फर्स्ट एड कर दीजिए। उन्होंने बोला फायर कर। मैं फायर करने लगा तो कुछ देर के बाद जब मेरे साथी ने जो है अपना फील्ड पट्टी निकाली और उसको ऐसे पॉलीथीन फाड़ने के लिए यहाँ तक हाथ पहुँचा था यहाँ तक बोले, उस तरह से करता हुआ लेटता हुआ चला गया। एक हाथ पकड़ा लेकिन कुछ भी नहीं बोला। तभी मेरी बगल में बैठा मेरा साथी था, मैं उसको बोला अनंतराम सर को तो गोली लगी। उसने भी क्या शब्द बोला और उसको आकर के ऐसे सीने में ब्रश लगा, वो भी आकर के गोद में लेट गया। तभी मैं अपने साथियों को बोला दोनों बंदे शहीद हो गए। बस अब इतना ही मैं बोल पाया। तभी हमें इस तरफ से आकर कैसे घेर लिया और इतना ज़बरदस्त हमारे ऊपर गोलाबारी हुआ कि एक ही पल के अंदर सब कुछ खत्म। मेरे तमाम साथी शहीद हो चुके थे, मैं भी उनकी तरफ से शहीद हो गया था। पाकिस्तान के एक कमांडर था, उसने बोला इनको रीचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है, तो आकर के एक एक को गोलियां मारने लगे। तो मैं बेहोश था लेकिन इतना बेहोश नहीं हुआ तक उनको देख ना सकूँ सुन ना सकूँ। देख सकता था सुन सकता था जो हमारे जवानों के शरीर के अंदर डेड बॉडियों में गोलियां मार रही थी, डेड बॉडी ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ। तो उसने सामने वाले को मारा फिर बगल वाले को मारा, मैं भी इस तरह से पड़ा था। इसने पहले फर्स्ट में यहाँ बाजू में जांग में नीचे पैर में तीन जगह पर गोलियां मारी। मैं देखता हूँ धुआं निकल रहा है लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा और उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा नहीं है। कुछ देर के बाद बहुत गालियाँ दी, यातनाएँ दी, बूट की ठोकरें मारी। तो हमारा एक नीचे MMG पोस्ट था, उस पोस्ट को बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान के उस कमांडर ने बोला कि उस हिंदुस्तान का जो MMG पोस्ट है उसको बर्बाद कर दीजिए या उसके ऊपर हमला होना चाहिए। तो टाइगर हिल की बगल में ही मस्को वैली थी, उन्होंने अपने बेस कैंप को मैसेज दिया तो वो मैसेज मेरे कानों तक पड़ा। तो मुझे लगा कि आज तो मेरे पूरे साथी शहीद हो जाए, ख़त्म हो जाएंगे, उनको कौन बचाए। तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतनी जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं कि आपके ऊपर हमला होना वाला है, ताकि वो अपने आप को वहाँ पर मजबूत कर लें, पीछे से रीइन्फोर्समेंट आ जाए। ये कहते हैं कि अगर निस्वार्थ भाव से सच्ची श्रद्धा से परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा भी साथ देता है। मैं चुपचाप पड़ा रहा, एक मौके की तलाश में था। बहुत काफ़ी देर के बाद उन्होंने फिर दोबारा से हमारे गोलियां मारने लगे, वेपन उठाने लगे, तो उसी रोटेशन से आकर के उसने गोलियां मारने लगे। तो मैंने एक विश्वास पैदा किया हुआ था अपने अंदर कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ या पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उफ तक भी नहीं करूँगा और मैं जिंदा भी रहूँगा। और साथियों को विश्वास ही था कि आज मैं आपके सम्मुख भी हूँ। उसने आकर के दोबारा से गोलियां मारी, फिर भी हाथ में पैर में गोली मारी। और जब एक कदम दूर चला तो उसने सीने की तरफ जब राइफल करी तब लगा यार अब नहीं बचूंगा। लेकिन कहते हैं कि जब तक मौत नहीं आती उसको कोई मार नहीं सकता। तो पूरी पीछे से पैंट फटी हुई थी, यहाँ पर पर्स रखा था, पर्स में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के भी थे। जब उसने गोली चलाई तो जाकर के सिक्कों पर लगी और गोली रिकोचेट हो गई। लेकिन गोली के धक्के से मुझे खुद आभास हुआ कि यार मैं तो मर गया हूँ। पाकिस्तान का जो सैनिक था उसने आकर के मेरे AK-47 उठाया, वापस मुड़ा, जब शायद उसका पैर मेरे पैर से टकराया होगा तो मुझे लगा यार मैं तो जिंदा हूँ। अंतरात्मा से एक आवाज़ आई कि योगिंद्र अभी तक नहीं मरा तो मरेगा भी नहीं। तभी मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड बचा हुआ था, मैंने उसको पिन निकाल करके ऐसे फेंक दिया उसके ऊपर। तो कोट पहने हुए थे, कोट के अंदर हुड लगा हुआ था, वो जा करके हुड में गिरा तो उसने पीछे की तरफ मुड़ करके देखा, पीछे तो कोई हरकत थी नहीं। और जब तक ग्रेनेड को निकाल पाता ग्रेनेड फटा, यहाँ से उसका पूरा सर उड़ गया, वो हमारे ऊपर आकर के गिरा। दोनों हाथों से उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी लेकिन इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी। एक हाथ से राइफल उठाया, वहाँ से फायरिंग किया, फिर इधर से फायरिंग किया, तो उनको लगा कि हाँ नीचे से रीइन्फोर्समेंट आ गई है और वहाँ से वो भाग खड़े हुए। 3-4 मीटर रेंगता हुआ आगे गया, देखता हूँ सामने उनका लंगर चल रहा है, उनके टेंट लगे हुए हैं, उनके जो बड़े हैवी वेपन का डिप्लॉयमेंट वहाँ से सब कुछ दिख रहा है। पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद क्योंकि उस समय जहन के अंदर एक ही पागलपन था अपने साथियों को बचाना। फिर वापस धीरे धीरे करके अपने साथियों तक पहुँचा तो मुझे लगा कि हो सकता है मेरी तरह कोई उनमें साथी को जिंदा होगा। तो आकर के देखा किसी का पूरा सर फटा हुआ था, किसी के पूरे पेट में गोली थी। बहुत देर रोता रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मैं करूं तो करूं क्या। इस हाथ को ऐसे बांधने की कोशिश करने लगा लेकिन ये हाथ बांधा ही नहीं, ऐसा लगा कि कट गया है। तो सोचा तोड़ करके फेंक देता हूँ, तोड़ने की भी कोशिश करी लेकिन टूटा नहीं। फिर इसको उठाया, कमर पर फेंका, बेल्ट में फंसाया, सोचता रहा कैसे जाऊँगा।
तभी एक आवाज़ सुनाई दी जिसने बोला बेटा इस नाले से नीचे की तरफ चला जाना। बिना कुछ सोचे समझे उस नाले में लुढ़क गया और लुढ़कते लुढ़कते जब बहुत नीचे पहुंचा तो एकदम से ऐसे गड्ढा आ गया, एक हाथ से पत्थर पकड़ करके लटका हुआ था। तभी मुझे लगा यार मैं पाकिस्तान की तरफ तो नहीं आ गया हूँ। तो नीचे देखा मेरे साथी मुझे नज़र आए, फिर वहाँ से मुझे निकाल करके लेके गए। मैं उनको तमाम इन्फॉर्मेशन दिया कि इस प्रकार की घटना हुई हो रही है, अभी होने वाली है। सीओ साहब को इन्फॉर्म किया कि इस प्रकार से एक लड़का बच करके आया, वो बता रहा है। ये दिन के 1:30 या 2 बज रहा था उस समय। सीओ साहब ने बोला जल्दी से जल्दी मेरे पास पहुँचाओ, तो कंधे पर डाल करके जवान वहाँ तक ले करके गए। तो फर्स्ट एड तो हुआ था लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ था। जब सीओ साहब के पास पहुँचता हूँ तो बिल्कुल दिखाई देना बंद हो गया था। सीओ साहब ने बोला बेटा मेरे को पहचानता है? मैं कहा नहीं साहब, सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही है। बोला मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर, मैं जहिन साहब, बहुत तेज सर्दी लग गई सर। तो अपने टेंट में उन्होंने लिटाया, 3-4 स्टॉप जलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई। मैं कहा साहब पानी पिला दीजिए, क्योंकि अभी बारूद की वजह से जबान अटने लगी थी। बोला तभी डॉक्टर साहब ने सुन लिया, उन्होंने आकर के ग्लूकोज की बोतल पिलाई, थोड़ी शरीर के एनर्जी आई शरीर के अंदर। फिर बोले बेटा कुछ बता सकता है? तब ऊपर का तमाम घटनाक्रम उनको बताया, जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी तमाम बताई। सीओ साहब ने बोला बेटा जवान की रिक्वायरमेंट क्या है? मैं कहा साहब जवान की रिक्वायरमेंट अमिनेशन और फील्ड पट्टी की है। बोला खाने के लिए नहीं चाहिए, 72 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया था, एक बड्डी पेयर ने सिर्फ आधा बिस्कुट का पैकेट खाया था, आधा तो बैलेंस ही था। बस इतना कहते कहते तभी डॉक्टर साहब ने कौन सा इंजेक्शन लगाया फिर मुझे पता नहीं, मैं कहाँ पर। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है, पता चला 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर। और वहीं पर मुझे पता चला कि उसी रात को दोबारा से अटैक किया और टाइगर हिल टॉप के ऊपर बिना कुछ कैजुअल्टी के विजय पताका फहरा दिया। और उसके बाद बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट आया और 16 महीने के ट्रीटमेंट के बाद मैं वापस आज भारतीय सेना में सेवारत हूँ और 70वें इस गणतंत्र दिवस का हिस्सा बन रहा हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, बहुत गर्व की बात, हमारे लिए बेहद सौभाग्य की बात है और ईश्वर की कृपा है कि आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। पर आपसे जानना चाहूँगा उन क्षणों के बारे में जब आपको परमवीर चक्र मिलने की घोषणा हुई और आपको परमवीर चक्र मिला, आपके और आपके परिवार जाहिर सी बात है बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। उन क्षणों के बारे में, अपनी भावनाओं के बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि एक परमवीर चक्र विजेता को सब सैल्यूट करते हैं। जी बिल्कुल, ये मेरे लिए बहुत ही गौरव के क्षण थे कि जब 15 अगस्त 1999 को जनरल वेद क्लार्क वीपी मलिक साहब बेस हॉस्पिटल में आकर के मुझे इस अवार्ड के बारे में उन्होंने जानकारी दिया, क्योंकि पिताजी सैनिक थे और उनके लिए तो ये अद्भुत और अस्मरणीय क्षण था कि जो पिता ने लड़ाई लड़ी, पिता ने भी लड़ाई लड़ी थी लेकिन पुत्र ने लड़ाई लड़ करके और इतना बड़ा उसको, मेरे बेटे को ये तकमा मिला है, तो ये तो बहुत ही अस्मरणीय क्षण थे। ये मेरे लिए बड़ा बहुत सौभाग्य की, यह हमारा बहुत सौभाग्य है। और हम दुआ करते हैं कि आप बहुत लंबे जिएं और बहुत सुखी से जिएं और स्वस्थ जिएं, ईश्वर आपको वो सारी खुशियां दे। और देश के लिए आपने जो किया उसके लिए मैं, मेरा परिवार और नेशनल डिफेंस जो मेरा चैनल है उसके सभी दर्शक आपको सल्यूट करते हैं। जय हिंद, जय हिंद।